थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए, बस अपना टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस था। मैंने एक शो किया था 2013 में, उसका मैं फर्स्ट रनर अप रहा था, सब कुछ जाने लग गया हाथों से। एक ऐसा लड़का जिसको रियलिटी शो ने बर्बाद कर दिया, एक ऐसा लड़का जिसको उसके अपनों ने ही धोखा दिया। तो आज हम जानेंगे ऐसे ही लड़के अक्षय पाल की जर्नी के बारे में, उसके अर्श से लेके फर्श तक पहुंचने तक का सफर। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा और चैनल पर नए आए तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अक्षय पाल का जन्म 4 दिसंबर 2000 को एमपी इंदौर के महू नामक स्थान पर हुआ। अक्षय पाल के बड़े भाई शक्ति पाल भी बहुत अच्छे डांसर है। अक्षय पाल हमेशा प्रभु देवा को अपनी इंस्पिरेशन मानते थे और उनके जैसा ही डांसर बनना चाहते थे, लेकिन बड़े भाई के रूप में शक्ति पाल के रूप में उन्हें एक अच्छा कोरियोग्राफर मिल गया था और वो उनको ही अपनी इंस्पिरेशन मानने लगे थे और उनसे ही डांस सीखते थे। वह डेली 6-7 घंटे डांस प्रैक्टिस को दिया करते थे। अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर उन्होंने 2013 के अंदर इंडियाज बेस्ट डांसिंग सुपरस्टार का ऑडिशन दिया। ये गले में कंठ लंगोट, ये सफेद रंग की क्यों पहनी आपने? तो मेरे भी दिल को छू गई है। थैंक यू मैम। ऑडिशन में अपने डांस मूव से अक्षय पाल ने कमाल धमाल मचा दिया। जजेस उनका डांस देखकर दंग रह गए। 13 साल की उम्र में वह इतना अच्छा डांस कर रहे थे जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इस शो के अंदर अक्षय पाल बहुत आगे तक गए और इस शो के फर्स्ट रनर अप रहे। यहाँ पर उन्होंने अपने राज्य अपने देश को बहुत प्राउड फील करवाया और इसके बाद उनकी प्रसिद्धि काफी बढ़ गई। यहाँ पर सब लोग अक्षय पाल के फैन बन चुके थे, सब लोग बहुत खुश थे। अक्षय के भाई शक्ति पाल ने उन्हें एक डांस अकेडमी खोल कर दी। अक्षय की पहले ही बहुत फैन फॉलोइंग बन चुकी थी तो बहुत सारे बच्चे उनकी डांस अकेडमी में आने लगे। बहुत सारे बच्चे वहाँ से सीख के रियलिटी शो में सेलेक्ट भी हुए और उसके विनर भी बने। लेकिन धीरे धीरे उनकी डांस क्लास में बच्चे कम होने लगे और यहीं से अक्षय पाल का बुरा फेज शुरू हो गया। दरअसल बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स रियलिटी शो में जाते और अपनी ही एक अकेडमी खोल लेते। स्टूडेंट्स भी जाने लग गए, सब कुछ जाने लग गया हाथों से। जो लोग सीखने आते थे ना मैम, वो सीख के जो गए वो लोग भी किसी शो में आए, डांस शो में। टाइम जब आया कि लाइक अभी बच्चे भी नहीं है। इस धोखे से अक्षय पाल बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। अब उनके पास गिनती के 4-5 लोग ही आते थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब वह 4-5 लोग भी आना बंद हो गए। अपना बुरा समय देखकर अक्षय पूरी तरह से टूट गए। वे डिप्रेस रहने लगे और खुद को ही कोसने लगे कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कमी है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अक्षय ने साथ में यह भी जाना कि अब मार्केट में बहुत सारी नई डांस स्टाइल आ चुकी है और अब उन्हें खुद पर काम करना होगा। इसके बाद अक्षय पाल ने अपनी डांस अकेडमी बंद कर दी और खुद पर काम करना शुरू कर दिया। और इसके बाद वे बहुत सारे रियलिटी शो की ऑडिशन लगातार देने लगे। बहुत बार वे रिजेक्ट हुए, लेकिन उनके बड़े भाई उनके साथ खड़े रहे और उन्हें पूरा सपोर्ट किया और फाइनली अक्षय पाल दिखाई दिए 2019 के डांस इंडिया डांस सीजन 7 के ऑडिशन के अंदर। अपने डांस मूव्स के बल पर उन्होंने फिर से जजेस को एक बार दीवाना बना दिया था और जजेस ने उन्हें देखते ही सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर अक्षय की परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया। फैसला कर लिया है अक्षय जी आपने कि डांस का अगला दौर आप ही लगाओ। शो में अक्षय बहुत आगे तक गए।
हालांकि वह इस शो के विनर नहीं बन पाए, लेकिन वह इस शो के फाइनलिस्ट रहे। बहुत सारे लोगों द्वारा अक्षय को काफ़ी पसंद किया गया और अक्षय की लाइन अब फिर से पटरी पर आ चुकी थी। इसके बाद अक्षय ऑल इंडिया रूरल नाम के शो में यूपी स्टेट सिटी के ऑडिशन के जजेस के रूप में दिखाई दिए। जज के रूप में दिखाई देने के बाद उनको कोरियोग्राफर के तौर पर भी काम मिलने लगा। इसके बाद अक्षय सीधा दिखाई दिए 2023 के इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 के ऑडिशन के अंदर। कि मैं अक्षय को तब मिली थी जब ये कुछ 12-13 साल का था। हम 10 साल पहले मिले शायद। यहाँ पर ऑडिशन में घुसते ही शो की जज गीता कपूर ने उन्हें पहचान लिया। आपको बता दें कि गीता कपूर इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार की भी जज थी, इसलिए वह अक्षय को पहले से ही जानती थी। इसके बाद अक्षय पाल ने रोते हुए अपनी दर्द भरी दास्तान बताई। थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए, तब उन्हें टाइम में बहुत ज्यादा फेमस था। मैंने एक शो किया था 2013 में, उसका मैं फर्स्ट रनर अप रहा था। एक टाइम ऐसा आया मैम, सालों बाद सब कुछ जाने लग गया हाथों से, अभी बच्चे भी नहीं है, कहीं ना कहीं मुझमें कमी है। जजेस को उनका परफॉर्मेंस काफी पसंद आया और उनको सेलेक्ट कर लिया, और अब दर्शकों द्वारा अक्षय पाल को काफी पसंद किया जा रहा है। ऐसे शायद यही है प्यार। मैम आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो, आप मेरी ड्रीम गर्ल हो, सपने में आते हो आप बहुत बार। हाल ही में एक बचपन स्पेशल एपिसोड में अक्षय ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था, जिस पर गीता कपूर ने कमेंट करते हुए कहा कि आपके अंदर बहुत टाइम से एक इनोसेंस गायब थी, आपके अंदर एक बचपना गायब था जो कि आज मुझे दिखाई दिया। बहुत दिनों के बाद ना अक्षय, I want to tell you your innocence is back. फिलहाल अक्षय पाल इंडियाज बेस्ट डांसर के अंदर टॉप 10 का हिस्सा है। अक्षय पाल की हाइट है 5.5 इंच और वेट है लगभग 57 kg। अक्षय के इंस्टाग्राम पर 21,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं और यूट्यूब पर 5,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और अभी इनकी गर्लफ्रेंड का नाम रिवील नहीं किया गया है। आपके अनुसार इस बार इंडियाज बेस्ट डांसर का विनर कौन होने वाला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप किसी और पर्सन के बारे में बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में बायोग्राफी जल्दी आ जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद खंबागणी, जय हिंद।